फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूली की चटनी। मूली सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और अभी सर्दियों के मौसम में खासकर आपको मूली बाज़ार में बहुत ही आसानी से और ताज़ी मिल जाएगी, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। स्पेशली मूली लीवर के लिए बहुत ही हेल्दी होती है, इससे मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है और ये वेट लॉस में भी हेल्प करती है, इसलिए खाने में आप इसे ज़रूर शामिल करें। स्पेशली सर्दियों में स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये फायदेमंद भी है और खाने के टेस्ट को भी बढ़ा देता है। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मूली की चटनी बनाने के लिए मैंने एक मूली को छीलकर और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आधा कटोरी धनिया पत्ता लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर, दो लहसुन की कलियाँ, एक इंच अदरक का टुकड़ा, एक हरी मिर्च और स्वाद के अनुसार नमक, एक हम छोटा ब्लेंडर लेंगे, इसमें मूली के टुकड़ों को डाल देंगे, इसमें डाल देंगे चॉप्ड धनिया पत्ता, एक हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को हम काट कर डालेंगे। फ्रेंड्स, ये चटनी जितनी ही टेस्टी है उतनी ही हेल्दी भी है और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। अब हम जो हरी मिर्च है उसे भी काट कर डाल देंगे ताकि इसे ग्राइंड करने में इजी हो। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, अब हम इसमें एक की इंग्रेडिएंट डालेंगे जो है मस्टर्ड ऑयल, एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और दो टेबलस्पून पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चटनी को ग्राइंड कर लिया है, चटनी हमारी रेडी है, इसे हम कटोरी में डाल लेंगे। ये देखिए मैंने कटोरी में डाल दिया, तो टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। ये देखिए चटनी का कलर कितना अच्छा आया है। फ्रेंड्स, मस्टर्ड ऑयल डालने से चटनी का कलर बहुत अच्छा आता है और ये बहुत देर तक कलर ऐसा ही बना रहता है। हमारी चटनी रेडी है, आप इसे किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये चटनी आपके खाने के टेस्ट को दुगना कर देगी, आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दें। फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं मेरी ऐसी ही एक आसान और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।